नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त देवर्ष और आप देख रहे हैं व्रासम यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर क्रोम के एक्सटेंशंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज एक्सटेंशंस, एक्सटेंशंस क्या है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे कि आपके फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपके टास्क को स्मूथली और फास्ट और अच्छी तरीके से परफॉर्म करने में आपको मदद करते हैं, वैसे ही हमारे पीसी या फिर लैपटॉप में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो आप ये एक्सटेंशंस को वेब ब्राउजर के मिनी सॉफ्टवेयर जैसे समझ सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज़ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एक ऐसे एडिशनल फीचर्स है हमारे वेब ब्राउजर के जो हमारे अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने में हमारी मदद करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम अपने क्रोम ब्राउजर में एक्सटेंशन को कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले सर्च बार में लिखना है क्रोम वेब स्टोर और ये पहली लिंक पे आपको क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। ये लिंक को क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनगिनत एक्सटेंशंस की लिस्ट दी गई है और हर एक एक्सटेंशन अपना अलग अलग काम करता है, ठीक है। तो अगर आपको इन लिस्ट में से कोई भी स्पेसिफिक एक्सटेंशन सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे सर्च में लिख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन का डेमो देने वाला हूँ जिसका नाम है लिंक टू टेक्स्ट फ्रेगमेंट। सो ये एक्सटेंशन को ऐड करने के लिए आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद ऐड टू क्रोम कर देना है एंड देन ऐड एक्सटेंशंस। अब देख सकते हैं यहाँ पे उसकी एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है एंड ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर आपको अपने एक्सटेंशंस देखने हैं तो यहाँ पे ये सिंबल पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। मेरे पास दो है, एक कुकी एडिटर है और एक लिंक टू टेक्स्ट फ्रेगमेंट जो हमने अभी ऐड किया है, ठीक है। तो ये वाले एक्सटेंशन का यूज़ क्या है, मान लीजिए कि आपको आपके फ्रेंड या फिर कलीग को कोई स्पेसिफिक पैराग्राफ शो करना है जो कि एक वेबसाइट पे है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर राइट क्लिक एंड कॉपी टू लिंक सिलेक्टेड टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो पैराग्राफ जो हाईलाइटेड पैराग्राफ है उसकी एक लिंक जनरेट होगी जिसको आप शेयर करके डायरेक्ट वही पैराग्राफ पे रिडायरेक्ट कर सकते हो। कि मान लीजिए आपने उस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और लिंक आपके फ्रेंड को भेज दी, तो जैसे ही आपका फ्रेंड वो लिंक पे क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली वही सिलेक्टेड पैराग्राफ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने देखा लिंक टू टेक्स्ट फ्रेगमेंट एक्सटेंशन का यूज़। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी एक्सटेंशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड कीप लर्निंग विद अस। जय हिंद।